वे आँखें सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी हुई कविता है, जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। किसानों की आँखें हमेशा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। कभी वह स्वाधीन था, परंतु आज उसे उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है। महाजन ने क्रूरतापूर्वक उसके पुत्र को मरवा डाला, उसके घर द्वार बिकवा डाले, खेत तक निराम करवा डाले। ब्याज के लिए उसने सब अत्याचार किए। उसकी पत्नी बिना दवा के मर गई और दूध मुही बेटी दूध के अभाव में चल बसी। उसकी पुत्र वधु को पति घातिनी होने का नाम दिया गया, यानी अपने पति को खाने वाली या मरवा देने वाली का नाम दिया गया। यह कलंक उसकी पुत्र वधु पर लगा। एक दिन पुत्र वधु को भी थानेदार ने थाने में बुलवा दिया और वह अगले दिन कुएं में डूबकर मर जाती है। इन सब अत्याचारों की याद कर करके किसान की छाती फट जाती है। इसी पर श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कविता की रचना की है। प्रथम पंक्तियों में अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहता है कि भारतीय किसान की आँखें उसे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने में भय लगता है, उसी प्रकार से किसान की शून्य आँखों को यदि देखता है तो उसे डर लगता है, क्योंकि उन धसी हुई आँखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रोने और आंसुओं के सिवाय कुछ भी नहीं है। उन आँखों में भयानक गरीबी का दुख और उनका चुपचाप गरीबी को सहे जाने का चुपचाप रोना, मौन रुदन व्याप्त है। अंधकार की गुफा सरीखी, उसे अंधकार की गुफा के समान किसान की आँखें दिखाई दे रही हैं। जब कोई व्यक्ति गहरी निराशा में, उदासी में और रोने में डूब जाता है तो उसकी आँखों में एक अजीब सा दर्द व्याप्त हो जाता है। कवि उसे देख करके किसान की दारुण और दीन दुखी दशा का वर्णन करता है और उसे बताता है कि वह मौन रुदन है। मौन रुदन यानी वह भीतर से रो रहा है, लेकिन उसकी आँखों में उसका रोना दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दुख से उसके सभी आंसू सूख गए हैं। उसे महाजनी सभ्यता ने ब्याज के लोभ में क्रूरतापूर्वक पूरी तरह से लूट लिया है और यहाँ तक कि उसके पुत्र को भी मृत्यु के घाट उतरवा दिया। उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसकी पुत्र वधु, किसान के बैल वगैरह सब बिकवा दिए। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, स्वावलंबी था, लेकिन आज़ादी से पहले की उसकी दशा का, यानी दुर्दशा का जो वर्णन कवि कह रहा है कि उसके पास अपने खेत होते थे, तब उसकी आँखों में स्वाभिमान होता था, चमक होती थी, उसकी समाज में मान मर्यादा थी। परंतु आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया है, ऐसे खत्म हो गया है, जैसे कोई रेतीला किनारा टूट करके किसी नदी के प्रवाह में बह जाता है। अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बन करके रह गया है। कगार सदृश इन शब्दों में उपमा अलंकार है और स्वाधीन किसान में अनुप्रास अलंकार है। तीसरी पंक्तियों में कवि कहता है
लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिन से, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। किसान की मार्मिक दशा और किसान की आँखों में जो उसके लहलहाते हुए खेत थे, वो आज भी कवि को दिखाई दे रहे हैं। उन खेतों को छीन लिया गया है, उसे वंचित कर दिया गया है उन खेतों से। सूदखोर सेठों ने थोड़े से ऋण के बदले उसकी सारी खेती को हथिया लिया है। उन खेतों का एक एक तिनका भी उसे इतना प्यारा था कि उसको देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी, उसका मन खुश हो जाता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उसे उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया है और इसी कारण से उसकी जीवन की खुशी नष्ट हो गई है। उसके खेत छीन लेने का मार्मिक वर्णन जो है कविता में कवि कर रहा है। उसके जीवन की हरियाली थे उसके खेत, वो हंसता था अपने खेतों को देख करके, लेकिन तब वो खेतों का मालिक था, अब वो उसे बेदखल कर चुके हैं, यानी ब्याज लेने वाले सूदखोर किसानों को बेदखल कर चुके हैं। अब वह खुश नहीं है क्योंकि उसने ऋण लिया था, ऋण को वह चुका नहीं पाया। बदले में महाजन ने उसकी ज़मीन अपने नाम करा ली और किसान को खेत से बेदखल कर दिया। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, आंखों में ही घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। किसान का प्रिय बेटा जवानी की अवस्था में ही साहूकार के कारिंदों के द्वारा लाठियों से पीटकर निर्मम रूप से मार दिया गया और वह उसकी क्रूर हत्या को अभी भी भुला नहीं पाया है। उसकी आंखों के सामने उसका दृश्य प्रत्यक्ष होकर के नाचने लगता है। यहाँ पर महाजनी अत्याचारों का कारुणिक वर्णन हुआ है। कारकुनों द्वारा लाठी से मारने जाने का बिंब स्पष्ट बन पड़ा है। कवि की भाषा अत्यंत सहज, सरल और प्रभावी है। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। महाजन यहाँ पर सेठ हैं, ऋणदाता हैं। कौड़ी यानी एक पैसा, आँखों में चुभना यानी बुरा लगना, कुर्क होना यानी नीलाम होना, बर्दों यानी बैल, बर्दों की जोड़ी होती है बैलों की जोड़ी। महाजन ने अपना धन और ब्याज उघाने के लिए किसान की घर और संपत्ति सब को नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, किंतु अपने ऋण का ब्याज एक एक करके सब पा लिया। उसके मन में किसान की दयनीय अवस्था को देख करके जरा भी दया नहीं आई, यहाँ तक कि उसके प्रिय बैलों की जोड़ी को भी देखते देखते नीलाम कर दिया और वह विवश होकर के देखता रहा। आज भी बैलों की नीलामी उसकी यादों में आ जाती है तो उसका मन वेदना से भर जाता है। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने देती, अह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान को अपनी सफ़ेद गाय से बहुत प्यार था, गाय भी उससे बहुत स्नेह रखती थी, अतः गाय उसके सिवाय अन्य किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। उसकी आँखों के सामने आज भी गाय का स्नेह उमड़ पड़ता है। हाय बेचारे किसान का, सुखमय संसार उजड़ गया है, परंतु उसे उसकी याद बरबस आती रहती है। पूरी कविता में किसान से जो जो बिछड़े हैं उन्हें याद कर करके उसकी आंखें जो हैं एक काली गुफा के समान बन गई हैं और किसान के ममतामय किंतु दयनीय जीवन का चित्रण बहुत ही मार्मिक ढंग से कवि ने किया है। किसान को अपनी गायों से बहुत प्रेम होता है और गायें भी उन्हें बहुत स्नेह देती हैं, इस तथ्य की अभिव्यक्ति मनोरम जान पड़ी है।
प्रश्न शैली का प्रयोग किया है जो बहुत ही प्रभावी है। आँखों में नाचना मुहावरा है, इसका प्रयोग भी बहुत सुंदर बन पड़ा है। अनुप्रास अलंकार है, किसे और कब में दोहने आने में। उजरी किसान की प्रिय गाय थी। यहाँ पर उजरी जो शब्द है, उजले रंग के कारण उसका नाम उजरी रखा गया था, यानी सफ़ेद गाय थी। वह गाय किसान से बहुत स्नेह रखती थी, इसलिए और किसी को अपने पास आने नहीं देती थी। लेकिन किसान महाजनों का शिकार बन गया। वह महाजन से लिए गए धन को चुका नहीं पाया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि महाजनों ने उसके सारे खेत नीलाम कर दिए। आज किसान की आंखों के समय वे सुखमय दिन नाचा करते हैं। जब वह खुशहाल था, उसके पास फसलों से लहलहाते खेत थे, घर द्वार था, पत्नी थी, बच्ची थी, बेटा था, सब कुछ था। लेकिन थोड़े से पैसे, ऋण जो उसने लिया था, और उसने उसका सब कुछ नष्ट करवा डाला। महाजन ने ब्याज सहित पैसा वसूलने के लिए किसान के सारे घर द्वार बिकवा डाले, उसके बैल, उसकी गाय, यहाँ तक कि उसका बेटा भी मर गया, पत्नी भी, बेटी भी और बहू भी चली गई। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, बिना दवा दर्पण पे घर नहीं, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया दो दिन बाद गई मर। किसान की पत्नी को दवा नहीं मिली, वह इतना फटेहाल था कि अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पाया। यह सोचकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दूध पर आश्रित उसकी नन्ही दो दिन की बिटिया भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यातनाओं पर यातनाएं उसे घेर लेती हैं। किसान की फटेहाली, गरीबी और विवशता का चित्रण बहुत ही भावपूर्ण और करुणापूर्ण है। उसके देखते ही देखते पत्नी और बिटिया एक साथ चली जाती हैं, यह दिल को दहला देने वाला है। आंखें भरना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, अणय की जगह ना का प्रयोग किया है। दर्पण यानी दर्पण में अणय की जगह नय का प्रयोग किया है। किसान चाहकर भी अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा पाया। महाजन ने उसके घर द्वार बिकवा कर उसे कंगाल बना दिया और वह दाने दाने का मोहताज हो गया। भयंकर गरीबी के कारण उसकी पत्नी की दवा दारू भी नहीं हो पाई और पत्नी के जाते ही उसकी छोटी दूध मुही बिटिया भी चली गई। और इस प्रकार से वह पूर्णतया अभावग्रस्त हो गया परिवार के तरफ से। अन्य पंक्तियों में, घर में विधवा रही पतोहु लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधु शेष बची थी, यद्यपि उसे पति घातिनी अर्थात पति की हत्या का कारण समझा जाता था, लेकिन अभी भी वह घर की लक्ष्मी के समान थी। उसे भी एक दिन कोतवाल ने बुला करके भ्रष्ट कर दिया और अगले दिन वह कुएं में कूद करके मर गई। बेचारा किसान अपना सर्वस्व खोकर लुट पिट कर नितांत अकेला रह गया। किसानों पर पुलिस वालों के अत्याचारों का मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है। अंग्रेज सरकार की पुलिस वाले अत्यंत अत्याचार से भारत के लोगों को परेशान किया करते थे। पति की हत्या के लिए बेकसूर पत्नी पर सारा दोष मढ़ दिया गया और इसे करुण रस की अभिव्यक्ति की गई है। इसे पढ़कर आंखों के सामने कुएं में डूबकर मरती नारी का चित्र साकार हो उठता है। पतोहु, लक्ष्मी, कोतवाल, ये सब शब्द ग्रामीण अंचल से उठाए गए हैं। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। कवि कहता है कि पत्नी तो चली गई क्योंकि गांव में किसान लोग उन्हें पैर की जूती के समान तुच्छ मानते हैं,
इसलिए वो पत्नी को अधिक महत्व नहीं देता, परंतु पुत्र उसके जीवन का आधार था। तो कहता है कि पत्नी मरी तो मरी, उसका मरना इतना कष्टकर नहीं था, वह तो पैर के समान तुच्छ होती है, मनुष्य चाहे तो एक जूती फटने पर दूसरी बदल दे। इसी प्रकार किसान दूसरी पत्नी भी ला सकता था, परंतु जवान लड़के की हत्या हो जाने की उसे याद आती है और उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं तो उसका मन दुखी हो जाता है। वेदना के मारे उसकी छाती विदीर्ण हो जाती है, फट जाती है। वह चाहकर भी जवान पुत्र को नहीं बचा पाया तो दूसरी पत्नी को लाने की हिम्मत कैसे करता, और उसका साहस समाप्त हो गया। अन्य पंक्तियों में पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गड़बड़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाते। किसान जब अपने पुराने वैभव को और सुख को याद करता है तो उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता है, और उस सुख को याद करके उसकी आँखों में थोड़ी चमक आ जाती है। उसे अपने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्र वधू सभी की कल्पना एक एक करके आने लगती है और उससे थोड़ा वो खुशी होता है। किंतु जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चिंतन में उतरती है तो उसकी नज़रें कहीं सुनने में गड़ी की गड़ी रह जाती हैं और उसे एक एक करके सबके नष्ट होने का समय याद आने लग जाता है और वे यादें उसके लिए बड़ी दुखदाई हो जाती हैं। किसान का जीवन दुखमय है, उसे यथार्थ जीवन में दुख मिलता ही है, कल्पना में भी दुख मिलता है। चितवन की उपमा तीखी नोक से दी गई है और अत्यंत सुंदर उपमा बन पड़ी है, तुरंत सबका सौंदर्य देखते ही बनता है। कविता में किसान की पीड़ा जो है वो महाजन और क्रूर कोतवाल उसकी जिम्मेदार हैं, और इस कविता में उजड़े हुए किसान की आंखों की ओर संकेत दिया गया है। उस किसान का सर्वस्व लुट चुका है, उसके खेत, घर, बार, पत्नी, बच्चे, पुत्र वधू सब नष्ट हो चुके हैं, बेदखल कर दिया गया, उसे अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना पैसा नहीं चुकाया था। किसान ने महाजन से कुछ पैसा ऋण पर लिया था और वह समय पर चुका नहीं पाया, इसलिए महाजन ने उसके खेत नीलाम कर दिए, घर बार से बेदखल कर दिया और किसान के गाय बैल सब बेच डाले। किसान का लड़का जवान था, इसलिए लगता है कि महाजन द्वारा जोर जबरदस्ती खेत घर नीलाम करने का उसने विरोध किया होगा, इसलिए महाजन ने षड्यंत्र करके कारकुनों यानी पुलिस के द्वारा उसे मरवा डाला होगा। कविता से ज्ञात होता है कि महाजन जो होते थे आज़ादी से पहले, वो बहुत ही क्रूर और कठोर होते थे, उन्हें किसी की मजबूरी से कोई लेना देना नहीं था। किसान की पत्नी और उसकी मृत्यु जो हुई है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से महाजन दोषी हैं, क्योंकि किसान के पास दवा दारू के भी पैसे नहीं थे और इसी कारण उसकी पत्नी चल पड़ी। पत्नी गई तो बिना दूध के 2 दिन की बच्ची भी चली गई, और इस प्रकार महाजन की अमानवीय क्रूरता दोनों की हत्या के लिए दोषी है। प्रायः भारतीय स्त्रियां तभी आत्महत्या करती थी जब कोई पुरुष उनके साथ बलात्कार करता था, और भारतीय स्त्रियों में स्त्रीत्व सुरक्षा का भाव बहुत प्रबल होता है। इसी कारण किसान की पुत्रवधू को ऐसा करना पड़ा कि वह लोक लाज के मारे कुएं में डूबकर मर गई। पंत जी ने कविता में स्वतंत्रता के पूर्व जो मार्मिक किसानों की दशा का चित्रण किया है, उनकी आंखों की निराशा, दुख, दीनता, त्रास, पीड़ा, भ्रम, संशय और आतंक का साया हमेशा उनके अंदर छाया रहता था। उनकी हरी भरी खेती को महाजनों की शोषण व्यवस्था के द्वारा लील लिया जाता था, उन पर निर्मम अत्याचार किए जाते थे, उनकी खेती से उन्हें बेदखल किया जाता था, उन पर हिंसक हमले किए जाते थे,
महाजनों के पालित कारिंदे उनके पुत्रादि को जान से मार डालते थे। सूदखोर महाजन अपना ऋण और ब्याज चुकता करने के लिए करोड़ से करोड़ अमानवीय से अमानवीय कर्म किया करते थे। दुर्भाग्य ही उन पर सवार रहता था और उनकी भरी पूरी गृहस्थी उजड़ जाती थी। किसान अपने घर की इज्जत की रक्षा भी नहीं कर सकता था। उसकी बहु बेटियों का सरेआम अपमान कर दिया जाता था और उसका जीवन जी का जंजाल बन जाता था। इस प्रकार से श्री सुमित्रानंदन पंत ने अपनी बहुत ही मार्मिक कविता में एक किसान का वर्णन किया है।